Hello students, welcome to Allotrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, last lecture में हमने discuss किया था previous year questions के बारे में और दो lectures हम complete कर चुके हैं previous year questions से related. I hope आपने वो lectures देखे होंगे और आज उसी series को आगे बढ़ाते हुए हम next previous year questions को लेकर आए हैं आपके लिए और इस lecture में हम next 5 important previous year questions को discuss करने वाले हैं. ओके सो लेट्स स्टार्ट बच्चों. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज हार्डर. ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया है, आपके पास दो सैंपल्स हैं, 22 कैरेट गोल्ड का एक सैंपल है और एक है 24 कैरेट गोल्ड का. ये टॉपिक मैंने आपको एलोइंग ऑफ गोल्ड में पढ़ाया था, जहां मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड है वो प्योरिटी उसकी देखी जाती है कैरेट्स के अकॉर्डिंग और जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वही प्योर गोल्ड होता है और वो प्योर गोल्ड काफी सॉफ्ट होता है और उसके थ्रू आप ज्वेलरी नहीं बना पाते हैं, तो उसमें हम दूसरी मेटल्स को मिक्स अप करते हैं. ठीक है, कॉपर होता है और सिल्वर को हम उसमें मिक्स करते हैं, तो वही मिक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं 22 कैरेट गोल्ड, जिसमें कि 22 तो पार्ट होता है गोल्ड का और 2% जो पार्ट होता है, 2 parts जो होते हैं वो सिल्वर के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर जब हमने आपको समझाया कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है वही प्योर गोल्ड होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो मतलब ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, ये सॉफ्ट पार्ट हो गया और हार्ड कौन सा हो गया, 22 कैरेट गोल्ड. दोनों में से, दोनों सैंपल्स में से कौन हार्ड हो गया, 22 कैरेट गोल्ड हार्ड हो गया, बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड एंड 2 parts ऑफ सिल्वर एंड कॉपर. ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन आपको कि कौन सा हार्डर होगा हमारा, 22 कैरेट गोल्ड इज मच हार्डर देन 24 कैरेट गोल्ड. ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन ए मेटल एटम कंबाइंस विद द एटम ऑफ ए नॉन मेटल. कौन सा टाइप का बॉन्ड बनता है जब आप एक मेटल की रिएक्शन कराते हैं किससे, एक नॉन मेटल से. देखिए मेटल्स क्या होती है, मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके क्या बनाती है, कैटायंस बनाती है, पॉजिटिव. मेटल जो बनाएगी वो कैटायन बनाएगी और नॉन मेटल जो बनाएगी वो क्या बनाएगी, एनायन बनाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है. तो कैटायन और एनायन यहां पर बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, जिस वजह से जो बॉन्ड बनेंगे यहां पर कौन से बॉन्ड होंगे, वो आयनिक बॉन्ड होंगे. ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, दोनों नेम इसी के ही है. आयनिक बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड. अब इसी के बेस्ड हमने थर्ड क्वेश्चन यहां पर लिया है, जो कि आपको आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं उसका फॉर्मेशन इजीली हम आपको एक्सप्लेन कर पाए. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम क्लोराइड, उसको आपका फॉर्मेशन आपको दिखाना है कि किस टाइप से वो बनता है अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से. ठीक है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं. पहली बात, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है इसके कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हो गए, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये दोनों इसके कंस्टिट्यूएंट हुए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लेते हैं. ठीक है, क्लोरीन का कितना आ जाएगा, 287. अब देखिए क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर मैग्नीशियम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या होगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो 2 क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, और यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो टोटल दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन हुए. ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा. क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो मैग्नीशियम की ये टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्लोरीन की ये टेंडेंसी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब उसके बाद देखिए कि मैग्नीशियम जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किया, तो उस पर क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे और इस क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इस क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा. तो इस तरीके से हम क्या नोट कर सकते हैं कि मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव हो गए और 1 क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव हो गया. तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2, बिकॉज यहां पर क्लोरीन कितनी है, हमारे पास 2 क्लोरीन है और मैग्नीशियम है 1,
तो फॉर्मूला क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है जब भी इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा या इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा, तो वहां पर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनते हैं और उन्हीं के आपस में अटैचमेंट किसके थ्रू होता है, वो किसके थ्रू होता है, आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू होता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक बॉन्ड। ओके, तो क्लियर हुआ आपको थर्ड क्वेश्चन भी। तो यहाँ पर हमने तीनों क्वेश्चन अच्छे से आपको एक्सप्लेन किए, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, सो प्लीज नोट इट। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है। देखिए, जितनी भी मेटल्स हैं उनमें से कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकती हैं, जैसे कि सिल्वर हुआ, कॉपर है, गोल्ड है या एल्यूमिनियम है। तो कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर पाती हैं, उनकी उसी पावर को, उसी एबिलिटी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिक का कंडक्शन होने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, आयंस की, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो मेटल्स की एबिलिटी है उन चार्जेस को फ्लो करने की। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हुई, एबिलिटी हुई मेटल्स की कि इलेक्ट्रिक चार्ज को वो फ्लो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अब उसी के बेसिस पर अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का ऑर्डर देखें, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद आएगी क्या हमारा गोल्ड, और उसके बाद आएगा मर्करी। जो गिवन मैटर्स है थ्री मैटर्स, इनमें ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्वेश्चन में हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, सिल्वर की, उसके बाद आएगा गोल्ड, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मर्करी। ठीक है, अब इसी का ही सेकेंड पार्ट है, राइट द एटोमिक नंबर्स ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282 एंड 286 रेस्पेक्टिवली। मतलब एक्स और वाई का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और उनसे आपसे पूछा गया है कि इनका एटॉमिक नंबर बताना है। तो एक्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा और वाई का एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो यहां पर 282 को अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 12। तो एक्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12, मतलब ये क्या है, मैग्नीशियम है, और 286 मतलब कितना हो गया, 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज पॉसिबल और नॉट एंड व्हाई। तीन रिएक्शन आपको दी हुई है, पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सी नहीं होगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सी नहीं। जो मेटल रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऊपर प्रेजेंट है वही दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगी। जैसे यहां पर आपको तीन मेटल दिखाई दे रही है, तो जिंक, कॉपर और आयरन। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो जिंक सबसे ऊपर प्रेजेंट है, फिर आएगी आयरन और उसके बाद आएगा कॉपर। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। तो जिंक की जब हम कॉपर से सल्फेट से रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर को ये क्या कर देगा, इजीली डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये सो ऊपर प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगी। ठीक, अब उसके बाद है आयरन की जिंक सल्फेट से कराएंगे, तो आयरन क्या है, जिंक के बाद आता है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन क्या होगी, इम्पॉसिबल होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको। अब उसके बाद क्या है, जिंक और आयरन की रिएक्शन कराएंगे। अब जिंक जो है वो आयरन से ऊपर प्रेजेंट है, तो जिंक तो डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को, तो ये रिएक्शन तो पॉसिबल होगी। जिंक जो है वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, बट आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है और ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। रीजन क्या लेंगे, रीजन लेंगे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर। मेटल जो है वो ऊपर प्रेजेंट होगी रिएक्टिविटी ऑर्डर में, वही दूसरे को डिस्प्लेस कर पाएगी।
दूसरी नहीं कर पाएगी। रीजन पूछेगा तो रीजन आपको क्या बताना है, बिकॉज। अगर हम ये एग्जांपल ले लें फर्स्ट वाला, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज जिंक इज प्रेजेंट इन अपर पोजिशन इन रिएक्टिविटी ऑर्डर, हेंस जिंक कैन इजिली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप तीनों का रीजन बता सकते हैं। एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो ओवरऑल इस लेक्चर में हमने स्टूडेंट डिस्कस किए 5 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आपसे ये रिपीट हो सकते हैं, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो आप पहले से ही इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं के बेसिस पर और क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स वगैरह में दिए होंगे उनकी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना आपको? सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।